भानुप्रतापपुर में उपचुनाव कार्यक्रम की निर्वाचन आयोग ने की घोषणा। कांकेर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा ने कसी कमर। दोनों दलों ने जताई जीत की उम्मीद। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा रायपुर में हुई कार्यशाला। और भिलाई में सिरेमिक और टेराकोटा से शिल्प तैयार करने के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने भानुप्रतापपुर में उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही कांकेर जिले में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावशील हो गई है। जिले की कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला और पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना का प्रकाशन 10 नवम्बर को किया जाएगा। यहां नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर तय की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को की जाएगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 नवंबर निर्धारित की गई है। इस उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा, वहीं मतगणना 8 दिसंबर गुरुवार को की जाएगी। जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और निर्वाचन घोषणा के साथ ही संपूर्ण उत्तर बस्तर कांकेर जिले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। मतदान की तिथि 5 दिसंबर है, मतगणना की तिथि 8 दिसंबर है और 10 दिसंबर के पूर्व निर्वाचन की सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जानी होंगी। इसके अतिरिक्त जैसे कि आपको विदित है कि निर्वाचन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें 256 मतदान केंद्र हैं जिसमें से 17 शहरी और 239 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा ऐसे कई स्टेशन हैं जो एक लोकेशन में हैं, तो इसलिए जो कुल पोलिंग स्टेशन लोकेशन है वो 243 हैं। 256 मतदान केंद्र हैं पर पोलिंग स्टेशन लोकेशन 243 हैं जिसमें 15 शहरी और 228 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार एक मतदान केंद्र में जो पॉपुलेशन है वो 1500 मैक्सिमम होगी इलेक्टर्स की, मतदाता 1500 मतदाताओं की संख्या पर एक केंद्र रखा गया है। विधानसभा क्षेत्र में नक्सल दृष्टिकोण से 10 अति संवेदनशील, 47 संवेदनशील, 24 राजनीतिक संवेदनशील तथा 175 सामान्य मतदान केंद्र हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो समय समय पर कोरोना गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका हम पूरी तरीके से पालन सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर ने यह भी बताया कि भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 256 मतदान केंद्र हैं। माओवाद प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहां 10 केंद्रों को अति संवेदनशील और 47 केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है, वहीं 24 केंद्रों को राजनीतिक नजरिए से संवेदनशील माना गया है। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा अपने अपने तरीकों से जनता का विश्वास हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। कोरबा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भानुप्रतापपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने अभी से वहां की जनता से संपर्क करना शुरू कर दिया है। आदिवासी क्षेत्र होने के कारण भाजपा द्वारा इस उपचुनाव में आरक्षण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में जाएगी और भानुप्रतापपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी भानुप्रतापपुर विधानसभा का उपचुनाव निश्चित रूप से जीतेगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भानुप्रतापपुर हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है, इसलिए पार्टी को यहां जीतने में कोई कठिनाई नहीं होगी। विधानसभा हमारे बहुत ही सम्मानित साथी जो विधानसभा के उपाध्यक्ष है श्री मनोज मंडावी के निधन से रिक्त हुआ है, कांग्रेस का गढ़ है। मनोज मंडावी जी का खूब प्रभाव क्षेत्र था, खूब कर्मयोगी थे, काम खूब करते थे, इसलिए चुनाव के डिक्लेरेशन हुए। 5 दिसंबर को चुनाव है और निश्चित रूप से भानुप्रतापपुर सीट कांग्रेस जीतेगी।
कांग्रेस द्वारा यहां मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का बड़े पैमाने पर प्रचार किया जा रहा है, तो वहीं भाजपा द्वारा केंद्र सरकार की विकास योजनाओं के बारे में मतदाताओं को बताया जा रहा है ताकि इससे जनता को वास्तविकता की जानकारी हो सके। प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कल कोरबा में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिलाओं के साथ हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर चर्चा की गई। गौरतलब है कि भाजपा महिला मोर्चा द्वारा इन्हीं मुद्दों को लेकर आगामी 11 नवम्बर को महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। बैठक के बाद कोरबा के प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अरुण साव ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वो प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को रोकने में नाकाम रही है। वहीं प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के साथ अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने आदिवासी समाज के आरक्षण में कटौती के मुद्दे पर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। श्री साव ने यह भी आरोप लगाया कि बीते 4 वर्षों के दौरान राज्य में विकास के कार्य ठप हो गए हैं। हाँ, लगातार हम जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ते रहे हैं। अभी 11 नवंबर को महिलाओं के ऊपर हो रहे अनाचार अत्याचार, महिला स्व सहायता समूह के जो विषय हैं उन सब को लेकर 11 नवंबर को महतारी हुंकार रैली का आयोजन हमने किया है और वो छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक आंदोलन होगा। ऐसे ही अन्य मुद्दों को लेकर भी हम लगातार आंदोलन करेंगे। श्री साव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की कुछ नीतियों के कारण आम लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में भी आम लोगों को वास्तविकता की जानकारी दी जाएगी। और आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आज रायपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के साथ ही बाल अपराध से बच्चों को बचाने के उपायों की चर्चा भी की गई। कार्यशाला में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालन अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौतम भादुड़ी ने कहा कि बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। कार्यशाला है जिसमें ये ताकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यदि कोई है तो उसको उसके लिए रास्ता निकालने का उसी के लिए है ये जो एफर्ट है, ताकि मेंटली लोगों को जागरूक कर सके जो स्टेक होल्डर्स है, क्योंकि सोसाइटी जब तक रहेगी अपराध रहेगा, उसको तो हमारे हाथ में नहीं है कैसे रोके, उसके लिए पुलिस है, यह है, पर अपराध को होने से बचाए ऐसा मेंटल उनको उनके इतना पढ़ा दिया जाए, उनको मेंटल अपग्रेडेशन हुआ जाए, उसके लिए कार्यशाला और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सब डेलीबरेशन करेंगे, सब डिस्कशन करेंगे। इस कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला के आयोजन में यूनिसेफ और किशोर न्याय बोर्ड ने भी अपनी सहभागिता निभाई। समग्र शिक्षा मिशन के अंतर्गत राजनांदगांव के डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र विद्यालय में विज्ञान आधारित मेला और पहाड़ा ओलंपियाड का आयोजन किया गया। इस आयोजन में स्कूली विद्यार्थियों द्वारा कबाड़ से जुगाड़ के माध्यम से आकर्षक मॉडल तैयार किए गए हैं। साथ ही प्रदर्शनी में शिक्षकों द्वारा कठिन विषयों को रोचक और सरल तरीके से पढ़ाने के विभिन्न मॉडल भी दिखाए गए हैं। इस आयोजन के संबंध में समग्र शिक्षा मिशन के समन्वयक भगत सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य प्रारंभिक भाषा शिक्षण के लिए वातावरण बनाना है। उन्होंने बताया कि बच्चों में प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक विकासखंड की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कबाड़ से जुगाड़ के तहत
FLN फाउंडेशन न्यूमरेसी और लिटरेसी प्रारंभिक भाषा और गणितीय कौशल के विकास के लिए जो हम लोग सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं उसकी ये प्रदर्शनी है। हम लोगों ने हमारे विकासखंड में नवाचार करते हुए माध्यमिक शाला पर भी कबाड़ से जुगाड़ की सहायक शिक्षण सामग्री की हम लोगों ने प्रदर्शनी करवाई है। उसका भी वही कॉन्सेप्ट है कि संकुल स्तर की प्रतियोगिता पे चयनित जो सहायक शिक्षण सामग्री है वो प्रत्येक संकुल से एक एक TLM यहाँ पे शामिल हुआ है। इस आयोजन में शामिल कुछ शिक्षकों ने बताया कि विज्ञान की पढ़ाई में मॉडल का उपयोग करने से बच्चों को कठिन विषयों की पढ़ाई भी आसानी से कराई जा सकती है। शिक्षकों ने कहा कि मॉडल के जरिए पढ़ाई करने से विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता बढ़ती है और वे नवाचार के लिए भी प्रेरित होते हैं। आज हम यहाँ पे बच्चों के सीखने के लिए TLM लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे उनके अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड TLM बनाए हैं। जैसे देखिए ये गणित से रिलेटेड TLM है। हमने यहाँ पे बच्चों को कोण से जैसे 90 अंश ऐसे कोण से उनको परिचय करवाएंगे। वैसे ही हमने यहाँ पे स्थानीय मान से रिलेटेड TLM बनाया है। ये बड़ा सुंदर लगता है देखने में, ऐसे घुमा के बच्चे इकाई दहाई सैकड़ा सीख पाते हैं इस पर। इसी तरह से हमने हिंदी में ये बनवाया है पापा पिक्का, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग जानने के लिए हमने ये बनवाया है। फिर सुंदर सा ये बनाया है बहुवचन शब्दों के लिए, ये शब्दों की सीढ़ी बनाई है हमने, इंग्लिश के लिए बनाया है अपोजिट वर्ड के लिए ये, और ये जेंडर के लिए है, ये मंथ की सीढ़ी है सर, और ये डेज के नाम है। इन सबसे क्या करते हैं बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाते हैं और मज़ेदार ढंग से सीखते हैं। क्लास की बोरिंग वाली जो चीज़ें होती है उससे उन्हें निजात मिलती है। इस आयोजन में शामिल होने वाले विद्यार्थियों ने मॉडल के जरिए पढ़ाई की विधि को बहुत पसंद किया है। बच्चों ने बताया कि मॉडल की मदद से पढ़ाई होने से अब विज्ञान विषय के प्रति उनकी रुचि भी और बढ़ने लगी है। मिट्टी से शिल्प की वस्तुएं बनाने के लिए इन दिनों भिलाई में एक अनोखी कार्यशाला चल रही है। इस कार्यशाला में लोगों को सेरेमिक, चीनी मिट्टी और टेराकोटा से सुंदर रंगरूप वाले शिल्प तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला की आयोजक विजया त्रिपाठी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य शिल्पकारों को कला के तकनीकी पहलू से परिचित कराना है, साथ ही उनमें शिल्प कला के प्रति रुचि पैदा करना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। कि ये जो सीनियर और जूनियर कलाकार हैं इसमें ऐसा नहीं है कि मूर्तिकार ही आए, इसमें पेंटिंग वाले भी आ रहे हैं, म्यूजिक वाले भी आ रहे हैं और सभी मतलब इधर के लोग आके, ज़्यादातर पेंटिंग और मूर्ति वाले ज़्यादा हैं। और इसका ये तात्पर्य है कि यहाँ सीनियर आर्टिस्ट बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और जो खैरागढ़ से निकले हुए बच्चे हैं या और फील्ड में काम कर रहे हैं वो बच्चे आके एक छत के नीचे 3 दिन, ये तो सिरेमिक एक माध्यम हो गया है कि आप आइए काम करते हैं, सब अपनी कला यहाँ पे काम करें। इस कार्यशाला में भाग ले रहे कलाकारों ने बताया कि उन्हें मिट्टी से शानदार शिल्प वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण पाकर बेहद खुशी हो रही है। ये कलाकार विभिन्न शिल्प वस्तुओं को बनाते समय उसमें अपनी प्रतिभा और कल्पना को भी दिखा रहे हैं। कोविड के टाइम पे मैंने कोरोना सीरीज में काम किया था टेराकोटा को लेके, जिसमें मैं पॉट बनाती थी और पॉट में चेहरे जैसे आकार और उनको मास्क पहनाती थी। तो यहाँ भी मैंने सेम चीज़ की है, एक बर्तन का फॉर्म लिया है और उसमें नाक और मास्क बनाया है और ऊपर एक फॉर्म दिया एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाने के लिए, जिसमें कुछ फूल एक इंसान का आकार और कुछ फूल को दिखाया है। डिफरेंट तो कुछ नहीं ज़्यादा लगा, बस मटेरियल के डिफरेंट था। आर्ट में जो भी हम सोचते हैं वही कर लेते हैं। मैं पेंटिंग में जो भी सोचती हूँ उसी में, सेरेमिक में कर रही थी तो कलर तो बाद में आता है, लेकिन मैं इमेजिंग कुछ की हूँ, जैसे कि ये लेयर बाई लेयर होगा तो वो तो बाद में सही है। मैं ऐसे तो सेरेमिक में कर दी मिट्टी से, तो वो बाद में अच्छी जैसे मैं सोची वैसे होता अच्छी। इस कार्यशाला में खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में शिल्प कला का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भानुप्रतापपुर में उपचुनाव कार्यक्रम की निर्वाचन आयोग ने की घोषणा, कांकेर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा ने कसी कमर, दोनों दलों ने जताई जीत की उम्मीद।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा रायपुर में हुई कार्यशाला। और भिलाई में सेरेमिक और टेराकोटा से शिल्प तैयार करने के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।